हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार एग्जाम में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था, लोकसभा द्वारा कब जीएसटी बिल पास किया गया था। इस तरह के मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हैं, तो वीडियो को देख कर जरूर जाइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। जीएसटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो में, और लास्ट में एक बार और रिवीजन में करवा दूंगी ताकि आपको ये सारी चीजें आराम से याद हो जाए। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न इस वीडियो से पूछे गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी वाला, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही सिंपल है लेकिन काफी बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी वाला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला सवाल देखिएगा, भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कनाडा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है यह किस देश के मॉडल पर आधारित है, मतलब किस देश में जो जीएसटी मॉडल चल रहा है उसके जैसे हमने अपना रखा है। तो सही जवाब होगा कनाडा। ठीक है, कनाडा देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है हमारे भारत देश का जीएसटी। अगला सवाल है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था, तो 122वां संविधान संशोधन बिल। देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले से डाउट क्लियर कर दूं आप लोगों का। संविधान संशोधन बिल क्या होता है, जैसे कि आपको पता है मैं भारतीय संविधान पूरा पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था कि जो संसद है इसके तीन अंग हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति जी, हमारे राष्ट्रपति जी। तो जब भी संविधान में कोई संशोधन करना होता है, बदलाव करना होता है, तो पहले बिल पेश करना होता है। ठीक है, अब जो बिल होता है उसमें क्या होता है, लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा और आखिरी में जाकर राष्ट्रपति जी उस पर मुहर लगा देंगे। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन बिल है ये फिर एक कानून का रूप ले लेती है, कब, जब ये तीनों जगह से पास हो जाता है। ठीक है, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन बिल पेश करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सा बिल पेश हुआ था संसद में, तो यह 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था जीएसटी के लिए। याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, देखिए बिल तो वैसे पेश होते रहते हैं लेकिन सारे बिल पास नहीं होते हैं, सारे बिल पास नहीं होते हैं, कोई लोकसभा में अटक जाता है तो कोई राज्यसभा में अटक जाता है, या फिर किसी पर राष्ट्रपति जी अपनी मुहर लगाते नहीं है। ठीक है, इस तरह से बिल अटक जाते हैं तो हर बार कोई बिल पास नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला सवाल है, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था, कब पास किया गया था लोकसभा के द्वारा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 3 अगस्त 2016 को। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा संसद है इसके तीन अंग है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरे हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो लोकसभा द्वारा जो जीएसटी बिल है यह कब पास कर दिया गया था, कब पास हुआ था, तो 3 अगस्त 2016। ठीक है, 3 अगस्त 2016 को पास हो गया था, याद रखना है आपको, ये डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब लोकसभा से पास हो गया, अब राज्यसभा से कब पास हुआ यह डेट भी याद रखनी होगी, फिर हमारे राष्ट्रपति जी ने कब इस पर मुहर लगाई वो डेट भी आपको याद रखनी होगी। अगला सवाल है, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था, अब राज्यसभा में कब पास हुआ, तो सही उत्तर क्या होगा, 8 अगस्त 2016। ठीक है, याद रखिएगा, वापस एक और बार इस चार्ट को देख लीजिए, फ्लो चार्ट। संसद है उसके तीन महत्वपूर्ण अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, लोकसभा में कब पास हुआ था 3 अगस्त 2016 को पास हुआ था, और अब हम बात कर रहे हैं राज्यसभा में कब पास हुआ था, तो 8 अगस्त 2016 को पास हुआ था।
ठीक है, यहाँ पर 3 अगस्त को पास हुआ, यहाँ पर 8 अगस्त को पास हुआ, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति जी ने अपनी मंजूरी कब दी थी, कब मुहर लगा दी थी राष्ट्रपति जी ने। देखिए एक और बार हम रिवीजन करते हुए चलेंगे, यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और ये हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास हुआ, 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने कब मुहर लगाई उसके ऊपर, याद रखिएगा 8 सितंबर 2016 को, ठीक है, 8 सितंबर 2016 को हमारे राष्ट्रपति जी ने इस बिल पर मुहर लगा दी और एक कानून का रूप दे दिया, ठीक है। यह तीनों डेट याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति जी ने अपनी मंजूरी कब दी थी, 8 अगस्त 2016 को अपनी मंजूरी दी थी, उसके बाद यह एक कानून बन गया। अगला सवाल, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं और हर बार एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया, तो सही उत्तर क्या होगा, 101वां संविधान संशोधन। अब आप बोलेंगे मैम अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल सन 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, तो अब संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया, दोनों में फर्क क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसलिए आपको ना भारतीय संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं A to Z पढ़ा चुकी हूँ, पूरा भारतीय संविधान मैंने कंप्लीट करवा दिया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और हम समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हमारे संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, समझाया था कि जो 122वां संविधान संशोधन बिल आया है उसको क्या करना होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास करवाना होगा और लास्ट में हमारे राष्ट्रपति जी की मुहर लगेगी और ये जो बिल है यह कानून का रूप ले लेगी, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी तक 122वां, ठीक है, 122वां नंबर का आया था जीएसटी के लिए, 122वें नंबर का आया था संविधान संशोधन बिल जीएसटी के लिए आया था, जो पास हो गया यहाँ पर। अब जब पास हो गया है तो हमारे भारत देश में उसको लागू करना पड़ेगा, ठीक है, तो लागू करने से पहले इसको हमें संविधान में जोड़ना होगा, तो संविधान में जब जोड़ रहे थे तो देखा कि यह 101वां संविधान संशोधन है, मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 101 बार बदलाव किया गया, ठीक है, कितनी बार बदलाव करके जोड़ा गया, 101 बार बदलाव करके जोड़ा गया। अब ध्यान से सुनिएगा, भारतीय में, हमारे भारतीय संविधान में अभी तक 122 बिल पेश किए जा चुके हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ना लोकसभा से पास हो पाता है ना ही राज्यसभा से पास हो पाता है, तो ये जो बिल है यह धरे के धरे रह जाते हैं, कभी राष्ट्रपति जी इस पर मोहर नहीं लगाता है, तो जब तक ये तीनों प्रोसेस पूरी नहीं होगी तब तक हम इसे कानून का रूप नहीं दे पाएंगे। तो यह क्या होता है कि जो संविधान संशोधन बिल है यह पेश करते रहते हैं लेकिन हर कोई पास नहीं हो पाता है, लेकिन जब यह पास हो जाता है तो उसको संविधान में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इतनी बार जब पेश कर रहे थे तो यह 122वां संविधान संशोधन बिल था, लेकिन जब जोड़ने की बारी आई संविधान में तो यह 101वां संविधान संशोधन के रूप में जुड़ा हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है। सवाल है, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अधिभार इसमें है, ठीक है। जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार हैं, तो 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अधिभार इसमें शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितनी डिजिट होती हैं, ठीक है, कितने डिजिट्स होते हैं इसमें, तो 15 डिजिट होते हैं। अगला सवाल है, जीएसटी की निर्धारित की गई दरें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी वाला, 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी की निर्धारित की गई दरें हैं। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई, तो सही उत्तर क्या होगा, 12 सितंबर सन 2016 में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। अगला सवाल, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, देखिए जीएसटी पैसों से रिलेटेड मामला है, ठीक है, पैसों से रिलेटेड मामला है, तो कौन होगा इसका अध्यक्ष, वित्त मंत्री होगा, कौन होगा, वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है, एसजी एसटी का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए जो जीएसटी है,
जीएसटी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। एक तो है SGST, दूसरा है CGST और तीसरा है IGST। ठीक है, इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं और तीनों में फर्क क्या है अभी मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। देखिए SGST का पूर्ण रूप क्या है, S से क्या हो जाएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला इसका कौन सा पार्ट है, CGST, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक हमने कौन सा पढ़ा अभी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा कौन सा हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सेंट्रल स्टेट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आपको पता है हमारे भारत देश में दो सरकारें चलती हैं, एक है केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार, जो राज्यों में है और केंद्र जो केंद्र में है। ठीक है, तो देखिए जिसके प्रकार है यह भी इसी में बांटे गए हैं, एक है सेंट्रल के लिए, दूसरा है स्टेट के लिए और तीसरा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में क्या फर्क है यह देखेंगे अभी। देखिए तीसरा क्या है, IGST का पूर्ण रूप क्या है, सही जवाब होगा इसका इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब तीनों में डिफरेंस समझिएगा, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब हुआ जो स्टेट के लिए जाएगा, जो राज्य सरकार के लिए जाएगा कर, वो उसका हो गया। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो CGST है, यह क्या है, जो सेंट्रल के लिए जाएगा, जो केंद्र सरकार के लिए जाएगा वह है CGST। ठीक है, अब बताइए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होगा, केंद्र को दे दिया, राज्य को दे दिया, अब इंटीग्रेटेड क्या है, फर्क समझिएगा इसका। देखिए जैसे ये दो राज्य हैं, ठीक है, यह एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र। अब इन दोनों के बीच में जो व्यापार होना है वहां पर कौन सा टैक्स लगेगा, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो दो राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा है वहां पर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तीनों में फर्क आपको समझ में आ रहा है, जीएसटी के तीन प्रकार है याद रखिएगा, SGST जो स्टेट के लिए है, CGST सी मतलब हो गया सेंट्रल जो केंद्र सरकार के लिए है, ठीक है, और IGST आई का अर्थ क्या होगा, इंटीग्रेटेड जो दो राज्यों के बीच में लगना है। अगला सवाल है भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, कौन सा देश है, अभी तक 160 देश लागू कर चुके हैं अपने देश में जीएसटी, और जो हमारा भारत देश है ये 161 पोजीशन पर आता है जीएसटी लागू करने में। ठीक है, कौन से नंबर का है, 161 नंबर का है हमारा भारत देश जिसने जीएसटी लागू किया है, इसके पहले 160 देश जीएसटी को अपना चुके थे। अगला सवाल है भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो देखिए आपको यह डेट याद रखनी होगी कि भारत देश में जीएसटी कब लागू किया गया, कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 में, कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 में। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा, 1 जुलाई को मनाया जाएगा, हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, कौन सा देश है, अभी तक 160 देश लागू कर चुके हैं अपने देश में जीएसटी, और जो हमारा भारत देश है ये 161 पोजीशन पर आता है जीएसटी लागू करने में। ठीक है, कौन से नंबर का है, 161 नंबर का है हमारा भारत देश जिसने जीएसटी लागू किया है, इसके पहले 160 देश जीएसटी को अपना चुके थे। अगला सवाल है भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो देखिए आपको यह डेट याद रखनी होगी कि भारत देश में जीएसटी कब लागू किया गया, कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 में, कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 में। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा, 1 जुलाई को मनाया जाएगा, हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां लागू किया गया, सबसे पहले कहां लागू किया गया, सही उत्तर होगा फ्रांस में लागू किया गया सन 1954 में, कहां पर, फ्रांस में सन 1954 में जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया। अगला सवाल है भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सही उत्तर क्या होगा, असम, असम ने 12 अगस्त सन 2016 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। ठीक है, पूरे भारत देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, तो असम राज्य ने किया था, कब किया था, 12 अगस्त सन 2016 में। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं एक और बार क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। देखिए भारत में जीएसटी 1 जुलाई सन 2017 में लागू किया गया था और हम जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, कनाडा देश के मॉडल पर यह आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर।
क्या है जीएसटी? पहले हम बहुत ही तरह तरह के कर दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे, लेकिन अब सबको मिला करके एक कर दिया गया है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल सन 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अभी समझाया आप लोगों को कि जब ये बिल आया था तो यह 122 नंबर का था जीएसटी के लिए। लेकिन जीएसटी देखिए, लेकिन लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 में पास हुआ और राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 में पास किया गया। ठीक है, दोनों डेट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया? 3 अगस्त 2016 में, और राज्यसभा द्वारा कब पास किया गया? 8 अगस्त 2016 में पास किया गया। ठीक है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति जी ने अपनी मंजूरी कब दी? कब दी? देखिए, एक महीने बाद। ठीक है, देख रहे होंगे आप, 8 अगस्त यहाँ पर है और यहाँ पर 8 सितंबर 2016। ठीक है, तो ठीक एक महीने बाद हमारे राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दे दी। ठीक है, इस पर मुहर लगा दी। अब जो ये बिल है ये किसका रूप लेगी? कानून का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? कानून का रूप ले लेगी। तो देखिए, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। ठीक है, भारत में ये जीएसटी लागू कर दिया गया। 122वें नंबर पर यह संसद में बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन जब यह लागू करना था, इसको संविधान में जब जोड़ना था, तो कौन से नंबर पर जोड़ा गया? 101वां संविधान संशोधन के रूप में इसको जोड़ा गया। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है दोनों चीज़ों में? यूँ तो संसद में बिल आते रहते हैं, लेकिन हर कोई पास नहीं हो पाता है, कोई लोकसभा में अटक गया, कोई राज्यसभा में अटक गया। ठीक है, तो यह डिजिट याद रखनी पड़ती है कि कौन से नंबर पर आ रहा था। जीएसटी के लिए 122वें नंबर पर संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया था संसद में, लेकिन जब यह पास कर दिया गया, तो जब पास किया गया और तो यह जब संविधान में जोड़ा गया, तो कौन से नंबर पे जोड़ा गया? 101वें संविधान संशोधन के रूप में इसको जोड़ा गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट्स होते हैं। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 12 सितंबर सन 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी पैसे से रिलेटेड बातें हैं, पैसे से रिलेटेड मामला है, तो इसका अध्यक्ष भी किसे मनाया जाएगा? वित्त मंत्री को मनाया जाएगा। SGST का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो सरकार रखेगी कौन सी? राज्य सरकार रखेगी। स्टेट का मतलब क्या हुआ? राज्य सरकार रख लेगी। ठीक है, CGST का पूर्ण रूप क्या हो? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल के पास जाएगा, केंद्र के पास जाएगा। IGST का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कहाँ लगता है? जब दो राज्यों के बीच में व्यापार होता है। ठीक है, IGST का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो तीन प्रकार के हैं। देखिए, तीन प्रकार का है जीएसटी, तीन प्रकार का है, याद रखना है आपको, SGST, CGST और IGST। ठीक है, यह स्टेट के लिए या सेंट्रल के लिए, और IGST जहां दो राज्यों के बीच में हो रहा है वहां पर लगता है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। ठीक है, 161, ठीक है, 160 ऐसे देश हैं जो लागू कर चुके हैं, और यह कौन सा देश है? अब हमारा भारत देश जिसने लागू किया है, यह 161वां देश बना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, हमने रिविज़न भी कर लिया क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत ही सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछा था कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, काफ़ी लोगों ने उत्तर इसका गलत बताया था, तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।